वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 10 नवंबर 2020 और 10 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो विश्व रेडियोलॉजी दिवस वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है 8 नवंबर को। जी हाँ, हर साल 8 नवंबर को विश्व लेवल पर वर्ल्ड स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। यह दिन रेडियोलॉजी के उस मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है और स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर की सार्वजनिक समझ में निरंतर सुधार करता है। विश्व रेडियोलॉजी दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन जाते हैं कि भैया पहली बार विश्व रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 2012 में। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गाइज आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1700+ लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज्यादा से ज्यादा अचीव करने का ट्राई करेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है HDFC बैंक। जी हाँ, HDFC बैंक ने हाल फिलहाल में बताया कि भैया उसने रमेश लक्ष्मी नारायण जी को अपने अगले मुख्य सूचना अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पहले के सीईओ मुनीश मित्तल के इस्तीफे के करीब 4 महीने के बाद हुई है और यह बैंक के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधर जगदीशन के अंडर उसके द्वारा घोषणा की गई पहली बड़ी नियुक्ति भी है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने रेटिंग एजेंसी क्रिसिल से ज्वाइन किया है जहां वे चीफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन के पद पर कार्यरत थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है HDFC बैंक। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? HDFC बैंक का हेड ऑफिस कहां पर है? आप लोग को लिखना है कमेंट बॉक्स में। चलिए मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसका करेक्ट आंसर तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। तमिलनाडु की सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान को हासिल किया। ठीक है, कुल मिलाकर तमिलनाडु राज्य ने विभिन्न श्रेणियों में 7 पुरस्कार जीते हैं। पुरस्कार समारोह 11 और 12 नवंबर को उपराष्ट्रपति कौन? एम वेंकैया नायडू उनके द्वारा। केंद्रीय जल मंत्री कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत उनके द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन? प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में होना है। यह 2 दिवसीय समारोह के रूप में होना है और PWD सचिव के मानविसान तमिलनाडु सरकार की ओर से राष्ट्रीय जल पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। अल्टीमेटली इसका करेक्ट आंसर क्या है? तमिलनाडु। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की साइड। लेकिन उससे पहले गाइस आपको आज तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं टोटल वो नंबर लिखना है। गवर्नर और सीएम का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी ये लोग भी लिखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके 4 पहियों वाले सभी वाहनों के लिए किस तारीख से फास्टैग को अनिवार्य किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 जनवरी 2021। जी हाँ, 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है,
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल फिलहाल में इसकी अधिसूचना को भी जारी कर दिया है। इसमें 1 दिसंबर 2017 के पहले बेचे गए एम और एन श्रेणी के मोटर वाहन के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है और इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी 1 अक्टूबर 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य किया जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की साइड। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन है 10वां एशियाई आपातकालीन चिकित्सा सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है एम वेंकैया नायडू जी। हाँ, उपराष्ट्रपति कौन, एम वेंकैया नायडू ने कहां पर, नई दिल्ली न्यू दिल्ली में 10वें एशियाई आपातकालीन चिकित्सा सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, सम्मेलन का उद्देश्य नागरिकों को आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम और नियमावली विकसित करना है। ठीक है, और भारत सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए आघात देखभाल में सुधार के उद्देश्य से 2022 कब तक, 2022 तक, ठीक है, 2022 तक आपातकालीन विभाग को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए अनिवार्य कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है बी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किनको राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है गुलाब कोठारी जी। हाँ, राजस्थान पत्रिका समूह के अध्यक्ष कौन, गुलाब कोठारी को प्रतिष्ठित राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया। ठीक है, 2019 के राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार के लिए गुलाब कोठारी जी को चुना गया, जो कि राजस्थान पत्रिका समूह के अध्यक्ष हैं। यह पुरस्कार भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और संजय सैनी संवाददाता दैनिक भास्कर मंडी और राज चेंगप्पा समूह संपादकीय निदेशक इंडिया टुडे को संयुक्त रूप से ग्रामीण पत्रकारिता श्रेणी के विजेता के रूप में भी नामित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सेवंथ क्वेश्चन की बात करें, फर्मिट्रा मोबाइल ऐप निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बजाज आलियांस जी। हाँ, बजाज आलियांस इसका करेक्ट आंसर है। बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस ने किसानों की सुविधा के लिए फार्मिट्रा नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप किसानों की जरूरतों और उनकी चिंताओं को दूर करने में मदद करने का लक्ष्य रखता है। ऐप फार्मिट्रा उन लोगों को भी सेवाएं प्रदान करेगा जो बजाज आलियांस के ग्राहक नहीं है। ऐप को वर्तमान में 6 राज्य कौन कौन से मैं बता देती हूँ, एक मिनट, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, यूपी, कर्नाटक महाराष्ट्र और हरियाणा। ठीक है, ये 6 राज्य कौन कौन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में लागू किया गया है। अभी फिलहाल ऐप को सिर्फ 6 राज्यों में ही लागू किया गया है, कौन कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेशनल लीगल सर्विसेज डे निम्न में से कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 9 नवंबर जी। हाँ, नेशनल लीगल सर्विसेज डे यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 9 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 9 नवंबर को कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाने के मकसद से यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 9 नवंबर। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न क्या कहता है आप लोगों के लिए। कल का प्रश्न था, नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन सा कार्टून कॉमिक्स कैरेक्टर बना, तो इसका करेक्ट आंसर चाचा चौधरी। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो आज का आप लोग का क्वेश्चन क्या बन जाता है, आज का आप लोग का क्वेश्चन है, किसने पहली बार हमारी आकाशगंगा में रेडियो विस्फोट का पता लगाया,
ये चार ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, वीडियो के लाइक का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो के लाइक का टारगेट है 1700 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का ट्राई करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, PDF आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, लिंक होगा, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम का ग्रुप। वहाँ पर आपको डेली की डेली PDF मिल जाती है। PDF बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि क्विक रिविजन के लिए, क्विक रिविजन करने में बहुत ईजी हो जाता है PDF से। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से कहिए कि भैया वो लाभ उठाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकॉन नज़र आएगा, आप उस पर भी प्रेस करें जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।